अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। माह रमज़ान का आखिरी अशरा और इबादत का सिलसिला जारी है और साथ साथ ईद की तैयारी भी, तो सोचा ईद से रिलेटेड क्यों ना कुछ स्पेशल किया जाए। आज हम बनाने जा रहे हैं फलूदा नूडल्स। नूडल्स बनाने हैं तो फलूदा भी बनाएंगे। 1 टेबल स्पून तो मलंगा तकरीबन हाफ बाउल पानी में भिगो दें, 10 से 15 मिनट में ये सोख हो जाते हैं। मैंने गोंद का एक टुकड़ा भी इसमें इतने ऐड किया है, ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं पसंद करते तो आप स्किप कर सकते हैं। चलिए जी अब हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। हाफ कप पानी में तकरीबन आपने 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाल के मिक्स कर लेना है अच्छी तरह। एक बड़ा कप पानी आप चूल्हे पर रख दें पहले ही बॉईल करने के लिए, या आप एक ही दफ़ा इसको मिक्स करके इतने इकट्ठा कुक करें, ये मतलब आपकी अपनी मर्जी है। आपने इसको बिल्कुल लो फ्लेम में ना कुक करना है ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने, और 1 टेबल स्पून शुगर ऐड कर दें साथ। ये आहिस्ता आहिस्ता थिक होता जाएगा, जैसे कि आपको दिख रहा है, ये देखें इस पॉइंट पे आपने इसको उतार लेना है। फिर एक बाउल में आपने ठंडा या बर्फ़ वाला पानी ले लेना है, और जो नूडल्स के लिए आपने जिससे भी बनानी है उसके अंदर इसको भर लें और इस तरह से पानी में इसको डालते चले जाएं। ये नूडल्स आपकी तैयार हैं। ये बहुत आसान रेसिपी है और बहुत झटपट बन जाती है। अब आप इसको सर्व करें, इसमें फुल क्रीम मिल्क डालें, उसमें तुख मलंगा डालें, उसमें आइसक्रीम डालें और ये नूडल्स डाल के तो ठंडा ठंडा मज़ेदार सा इंजॉय करें। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।